गणित और कालांश अपना पहला है और दिनांक आज की 21 अक्टूबर 2020। टॉपिक चल रहा था अपना आकृतियां। इसके पूर्व मैंने त्रिभुज, आयर, वर्ग से संबंधित आकृति की परिभाषा है और आकृति खींचना बताया गया। आज अपन वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त क्या चीज है जो आप उसको गोला कहते हैं? तो वृत्त में देखना, वृत्त एक बंद आकृति है। वृत्त एक बंद आकृति है जिसके मध्य या तल पर स्थित बिंदु वृत्त की परिधि से लिए गए बिंदु पर समान दूरी पर स्थित होता है, वो वृत्त कहलाता है। वृत्त का जो पूरी अपने देखते हैं, वृत्त एक बंद आकृति होती है और जिसके बीच में एक बिंदु होता है और वृत्त की किसी भी परिधि पर स्थित होता है, समान दूरी पर स्थित होता है। आप पटरी से माप कर देख लेंगे तो भी समान दूरी आपको नजर आएगी। दूसरी एक चीज है त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या किसके कहते हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड या रेखा को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का जो केंद्र बिंदु है, बीच का जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट से अपन रेखा को किसी वृत्त के कोने से मिलाएंगे या वृत्त के परिधि किसी बिंदु को मिलाएंगे, जो आधी रेखा खींच जाएगी वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और व्यास, व्यास भी एक वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है, वृत्त के केंद्र से गुजरता है और परिधि के दो बिंदु को काटता है, वो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। इसी प्रकार चौथा है केंद्र। जब अपन बन भी बीच की बात कर रहे हैं, वृत्त के बीच को बीच जो पॉइंट होता है वो केंद्र होता है, तो केंद्र की परिभाषा क्या लिखेंगे? परिकार व पेंसिल से बनाए गए वृत्त के चित्र में प्रकार का नुकीला सिरा जिस पर होता है, प्रकार का जो नुकीला सिरा, एक तरफ पेंसिल होती है एक तरफ प्रकार की नोक होती है, प्रकार का नुकीला सिरा जिस पर होता है वो उसका केंद्र बिंदु कहलाता है। तो आज अपन वृत्त, त्रिज्या, व्यास और केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त की है और कल अपन वृत्त बना करके उसमें त्रिज्या कहाँ है, व्यास कहाँ है, वृत्त का केंद्र बिंदु कहाँ है, परिधि कहाँ है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो आज मैंने पढ़ाया है उसको आपके गृह कार्य कॉपी में इसकी परिभाषा उतार लीजिए और याद करके लाएंगे। धन्यवाद।